2019 का लोकसभा चुनाव एक ऐसा चुनाव जिसमें सबसे ज़्यादा फायदा अगर किसी को हो रहा है तो वो टेलीविज़न और अखबार को हो रहा है, क्योंकि 60 दिन से करीब चुनाव की प्रक्रिया पूरी चलेगी और इसको लेकर टेलीविज़न अखबार के लोगों की बांछें खिली हुई है, खुश हैं, क्योंकि सारा खेल जो है वो प्रचार का है। मेरे साथ सीनियर पत्रकार उर्मिलेश जी हैं जो लगातार मीडिया लिटरेसी को लेकर तमाम जोखिम उठा रहे हैं और देश के तमाम सोशल प्लेटफॉर्म पर, तमाम चैनलों पर मीडिया के बारे में बात करते हैं। सर, ये तो मतलब एकदम लॉटरी लग रही है मीडिया की, इसमें कोई दो राय नहीं। देखिए, इलेक्शन कमीशन ने जिस तरह से डेट का अनाउंसमेंट किया, आपने बिल्कुल सही कहा कि इतनी लंबी चुनाव प्रक्रिया दुनिया के किस मुल्क में होती है बताइए। आप कह रहे हैं अभी हाल में इलेक्शन कमीशन ने एक बड़ी दिलचस्प बात कही कि वीवीपैट को 50% काउंट कराने में जो उनको आपत्ति है वो इसलिए है कि इससे 5 दिन लग जाएगा रिजल्ट देने में। अरे भाई, हम तो देख रहे हैं कि जब आप वीवीपैट नहीं काउंट कर रहे हो तब भी कई बार रिजल्ट जो है दो दिन लग जाते हैं। पिछली बार मध्य प्रदेश में क्या हुआ, राजस्थान छत्तीसगढ़ में क्या हुआ था, आप बताइए। इसके अलावा आप जब कह रहे हैं कि हमने ईवीएम इसलिए इस्तेमाल किया कि लंबी प्रक्रिया हो जाती थी, भारत की बहुत लंबा देश है, बहुत चौड़ा देश है, बहुत बड़ी आबादी है, तो जो दलीलें देख करके आपने वीवीपैट लाया है, जो ईवीएम लाया है, उसके ठीक उलट काम कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आप जो है किसी दल विशेष को, कारपोरेट्स को, जो लोग बहुत पैसा रखते हैं, जो अपने मनपसंद सरकार लाने की फिक्र रखते हैं, जिनको लगता है कि हम अगर चुनाव में लगातार गैप रहेगा तो पैसे के बल पर हम लोगों को मोबिलाइज करेंगे, अपना एजेंडा पूरा करेंगे, और मुझे लगता है कि एक खास योजना के तहत चुनावों को इस तरह फैलाया जा रहा है। इसमें जाहिर है टेलीविजन को फायदा हो रहा है, इलेक्शंस को भी, अरे अखबारों को भी फायदा हो रहा है, खासकर बड़े अखबारों को, लेकिन जनता की सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो क्षति जनता की हो रही है, नुकसान जनता का हो रहा है। ये कितना प्रभाव, मतलब ये तो हमारे यहाँ एक मेला लगता था सोनपुर में, कहते थे कि 10 दिन का मेला और साल भर की कमाई, तो ये तो रेवेन्यू सिस्टम के तो ये तो पत्रकार जो है वो ज्यादा बाहर सुनाएंगे, टेलीविजन चैनल मैनेज करेगा इकोनॉमी और 40 दिन के कैंपेन में। देखिए, पत्रकार से ज्यादा मैं मानता हूँ कि अखबार और टेलीविजन के जो मालिक है उसको, जो चलाने वाले लोग हैं, जो सीधे सीधे बात कर रहे हैं आजकल मालिकों से, आप देखिए कई टेलीविजन चैनलों और कई अखबारों के मालिकों के जो हाल के दिनों में इंटरव्यू आए हैं वो साफ कहते हैं कि हम न्यूज़ के नहीं विज्ञापन के धंधे में हैं, और यह भी वो नहीं छुपाते हैं कि वो सीधे डील करते हैं मालिकों से, सीधे डील करते हैं उन लोगों से जो राजनीतिक दलों के शीर्ष पदों पर हैं। अभी हाल में कई ऐसे पर्दाफाश किए गए हैं कुछ एक संगठनों द्वारा जो इस तरह का काम कर रहे हैं, जैसे आप लोग कर रहे हैं वैसे वो लोग भी कर रहे हैं। अभी एक मैंने पर्दाफाश देखा जिसमें एक बाबा जी बन करके बड़े अखबारों टेलीविजन चैनलों के यहाँ एक आदमी जाता है और कहता है कि हम अमुक पार्टी की तरफ से आए हैं, आपको पूरे देश में हिंदुत्व की लहर पैदा करने के लिए हम इतने बड़े विज्ञापन देंगे, इतना रेवेन्यू देंगे, इतना पैसा देंगे, क्या आप कोऑपरेट करेंगे? आपको आश्चर्य होगा कि उसमें देश का सबसे बड़ा जो अंग्रेजी अखबार है, जो हिंदी अखबार भी निकालता है और जो न जाने जिसके चैनल भी हैं, उससे लेकर के और मझोले कद के अखबार और चैनल जो हैं वो सारे के सारे उसमें, अनेक लोग उसमें तैयार हो गए और आज तक किसी ने खंडन नहीं किया कि नहीं साहब, हमने ऐसा नहीं कहा था, ये दिखाया गया है गलत। उर्मिले सर, व्यूअर्स कैसे पहचाने कि कौन टेलीविजन खबर दिखा रहा है और कौन पार्टी का प्रचार कर रहा है? देखिए, व्यूअर्स के बारे में मैं थोड़ा सा बड़ा अलग ढंग से सोचता हूँ। मेरा मानना है कि व्यूअर्स को आप उपदेश देकर या नेशनल दस्तक पर उर्मिलेश का एक इंटरव्यू देकर या आप अपनी कोई बात कहकर कुछ एक लोगों को तो प्रभावित कर सकते हैं, एक पॉकेट्स में प्रभावित कर सकते हैं, लेकिन समूचे देश की बड़ी आबादी, बड़ी आबादी शब्द मैं यूज कर रहा हूँ, वो गुरुजी तभी प्रभावित होगी, तभी वो असलियत जानेगी जब इस देश में बड़े जन आंदोलन होंगे, समाज का जो उत्पीड़ित तबका है, जो परेशान लोग हैं, वो जब उठ खड़े होंगे, जब सच्चाई जानेंगे, सड़क पर उतरेंगे, तभी ये मीडिया भी सुधरेगा, मीडिया का झूठ भी एक्सपोज हो जाएगा, इस मीडिया को लोग बेमतलब बना देंगे। ये जो मीडिया आज छाया हुआ है देश में, ये मीनिंगलेस हो जाएगा और सही मीडिया अवतरित होगा। इसलिए मीडिया अच्छा बने इसके लिए जनता का उठना जरूरी है। आप इसको कैसे देखते हैं? बसपा बड़ी चंक है, सपा बिहार यूपी में चुनाव लड़ रही है, आरजेडी बिहार में लड़ रही है, जेएमएम, लेकिन आप अगर टेलीविजन देखें तो कांग्रेस बीजेपी, बीजेपी कांग्रेस, थोड़ा बहुत लेफ्ट, इसको कैसे देख रहे हैं आप? इसका ये डैमेज कंट्रोल इन पार्टियों को कैसे करना चाहिए? नहीं, इनके पास न तो कोई समझ है, न तो इनके पास कोई इच्छा शक्ति है। आप ये देखिए, जिन पार्टियों का आप नाम ले रहे हैं जो सामाजिक न्याय और जनता की कल्याण की बात करती हैं,
इनके नेताओं के पास विजन नहीं है, इनके पास इस पूरे अगर आंदोलन को देखिए, खासकर मैं बहुजन समाज पार्टी का नाम लेकर खुलेआम मैं नाम लेकर कहता हूँ कि मैं कांशी राम जी के पास एक विजन था, कांशी राम जी के पास एक विचार था, उनके पास एक विचारधारा थी जिसके लिए उन्होंने आजीवन काम किया, और आज भी वो पार्टी अगर जिंदा है तो सिर्फ उनके किए के कारण जिंदा है। मेरे को लगता है कि बड़े विजनरी लीडर जब तक नहीं आएंगे तब तक वो ये टीवी वाला डैमेज कंट्रोल कैसे होगा, ये टीवी ये। वाला डैमेज कंट्रोल तो उन्हीं के कारण है, उन्होंने क्यों नहीं अपना खड़ा किया मीडिया, उन्होंने अपने लोगों को क्यों नहीं मीडिया में आ नहीं, लेकिन सर कोई चैनल कोई अखबार कोई पार्टी मीडिया खड़ा नहीं कर रही है, लेकिन क्या वो जातीय पत्रकारिता की वजह से उनको फेवर मिला है कांग्रेस बीजेपी की वजह से को? नहीं, क्योंकि मीडिया तो किसी चैनल हम आप दल का नहीं है। नहीं, हम आप ये समझ रहे हैं ना कि किसी दल विशेष का नहीं है, भारत के कारपोरेट का मीडिया है, भारत के कारपोरेट केवल उन्हीं दलों को आगे बढ़ाते हैं, केवल उन्हीं पत्रकारों को आगे बढ़ाते हैं जो उनके मतलब के हैं। इस देश में दलित आदिवासी ओबीसी समाज के लड़के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से लेकर और तमाम पढ़ाई लिखाई जो यूनिवर्सिटीज में कर रहे हैं, लेकिन आप कल्पना कीजिए वो कलेक्टर बन जा रहे हैं, वो आज एसपी बन जा रहे हैं, वो कांस्टेबल बन जा रहे हैं, लेकिन वो पत्रकार क्यों नहीं बन रहे हैं? इसलिए नहीं बन रहे हैं कि उनके लिए मीडिया जो का जो मौजूदा स्ट्रक्चर है उसमें उनके लिए जगह नहीं बनी है। जगह क्यों नहीं बनी है? क्योंकि राजनीति से लेकर मीडिया के ऊपर जो टॉप पोस्टेज हैं और जो कॉर्पोरेट से जिनका लेन देन है वो सब एक ही तरह के लोग। अच्छा एक बात बताइए सर, वही पत्रकार मायावती से अखिलेश से तेजस्वी से सवाल पूछ लेता है, अमित शाह मोदी को देख के हकलाने लगता है, राहुल को देख के हकलाने लगता है, इसलिए हकलाने लगता है कि वो जानता है कि ये, और ये मैंने दो तीन दिन में बड़े संपादकों को देखा, एक चैनल नया खुला है उस पर राष्ट्रीय सम्मेलन हो रहा है, वहाँ देखा मैंने अमित शाह की किस तरह से घोर चापलूसी की जा रही थी। देखिए मैंने भी देखा, लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि ये इसलिए करते हैं कि वो जानते हैं कि उन्हीं के हाथ में भाग्य है, उन्हीं के हाथ में नियति है उनके भविष्य का। वही तेजस्वी और अखिलेश तो धो डालेंगे। हाँ जी, और वही वही तेजस्वी और अखिलेश और मायावती अगर होंगी तो वो इस तरह से परेशान करेंगे जैसे लगेगा कि इतनी आक्रामक पत्रकारिता है, ट्रायल चल रही है। जी जी, तो ये तो बहुत नेचुरल है। इसके लिए तो मैं बार बार कहता हूँ कि पिछड़े और दलित वर्ग के नेताओं को भी ये चीजें समझनी चाहिए। आप और हम समझ रहे हैं तो वो क्यों नहीं समझते? आप कल वो जब सत्ता में आते हैं तो उन्हीं पत्रकारों को महत्व देते हैं, उन्हीं हाउसेस को महत्व देते हैं। तेजस्वी ने कहा है कि हमें मीडिया चैनल पे जाना नहीं चाहिए, एक सोल्यूशन हो सकता है। तेजस्वी जी का वो जो कहना है अपनी जगह है, लेकिन वो उचित नहीं है। उसके स्थान पर मेरा ये मानना है कि इन लोगों को मीडिया को डेमोक्रेटाइज करने के लिए अभियान छेड़ना चाहिए और वहाँ जाना चाहिए, अपनी बात कहनी चाहिए और इनके प्रवक्ताओं को भी जाना चाहिए। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बायकॉट करके आपको क्या मिलेगा? आप जब बदल नहीं सकते तो जितना इस्तेमाल थोड़ा बहुत कर सकते हैं उतना करने से मत चूकिए, क्योंकि आपके पास और कोई मीडिया का विकल्प नहीं है एक्सेप्ट सोशल मीडिया, तो अभी उसको बरकरार रखना चाहिए। एक आखिरी सवाल सर, 2019 के चुनाव में मीडिया की भूमिका क्या पिछले बार की तरह है या मीडिया लिटरेसी बढ़ी है, लोग जागरूक हुए हैं, उतने प्रभावित नहीं हो रहे हैं? नहीं, मीडिया लिटरेसी तो वाकई बढ़ी है, समाज में हर आदमी बड़ा तबका समझ रहा है समाज का कि मीडिया का क्या अंडरवर्ल्ड है, मीडिया का क्या असली चरित्र है, ये लोग समझ रहे हैं, लेकिन उनके पास कोई विकल्प नहीं है। जैसे राजनीति में विकल्प नहीं, वैसे मीडिया में कोई विकल्प। सोशल मीडिया कोई इम्पैक्ट पैदा कर पा रहा है? सोशल मीडिया ने काफी इम्पैक्ट पैदा किया है, सोशल मीडिया ने जो इम्पैक्ट पैदा किया है दरअसल उसी के कारण बहुत सारी अवेयरनेस आई है। इसके अलावा बहुत सारे लोग जो हैं अपने निजी अनुभव से देख रहे हैं, जब टेलीविजन पर्दे पर वो देखते हैं, टेलीविजन के अखबारों को जब पढ़ते हैं, अपनी देखी हुई बातों की जिस तरह से रिपोर्ट पढ़ते हैं उससे भी उनको अनुभव होता है। लेकिन मेरा ये मानना है कि भारत जैसे समाज में या किसी भी समाज में सोशल मीडिया जो है वो मेनस्ट्रीम मीडिया का विकल्प नहीं बन सकता। सोशल मीडिया की अपनी हैसियत है, अपनी जगह है, मेनस्ट्रीम मीडिया की अपनी जगह है। इसलिए हमेशा मैं इस बात का समर्थक रहता हूँ कि मेनस्ट्रीम मीडिया में इस देश के दलित उत्पीड़ित समाज को इंटरवीन करना चाहिए, वहाँ भी बिल्ड करना चाहिए, वहाँ भी मौजूदगी बनाए रखनी चाहिए, अपना मीडिया खड़ा करना चाहिए। अपना का मतलब मैं किसी नेता का मीडिया नहीं कहता हूँ, मैं कहता हूँ कि जो सही विमर्श ले जाए समाज का, जो समाज की भलाई के लिए काम करना चाहे, ऐसा मीडिया और ये मीडिया तभी खड़ा होगा जब जन आंदोलन भी खड़े होंगे। शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। एक लाइन के साथ खत्म करूंगा, इसी मीडिया ने पॉलिटिकल और गुंडागर्दी के गठजोड़ को बहुत खतरनाक बताया था। दरअसल वो एक दौर था जब बहुजनों को बर्बाद करना था। राजेंद्र प्रसाद सिंह ने एक लाइन लिखी है कि राजनीति और गुंडागर्दी के गठजोड़ से ज्यादा खतरनाक है मीडिया और नेता का गठजोड़, गुंडा और नेता के गठजोड़ से ज्यादा खतरनाक है मीडिया और नेता का गठजोड़। तो ये लाइन कही है उन्होंने और उनकी लाइन के साथ समाप्त कर रहा हूँ। इसलिए मैं कह रहा हूँ
मीडिया से सावधान रहिए, क्योंकि जो जितना ज़्यादा कह रहा है कि हम सरोकार की बात कर रहे हैं, भैया खेल बहुत बुरा है। एक बात और लास्ट लाइन यही कहूँगा कि मीडिया किसी पॉलिटिकल पार्टी का कोई मीडिया नहीं है, उसका जो पत्रकार है, उसका जो मालिक है, उसका एक जातीय चरित्र है, और जिसकी वजह से उसकी सहमति है मनुवाद के साथ, ब्राह्मणवाद के साथ और सवर्ण लीडरशिप के साथ। शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।